डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एडवांस्ड एचटीएमएल में फिफ्थ पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। और इसके अंदर जो टॉपिक्स मैंने कवर किया है उसके अंदर देखिए आप ध्यान से, पहला टॉपिक हमारा है एसआरसी एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम टैग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, नेम एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम टैग। एंड नेक्स्ट टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम टैग, स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम टैग एंड मार्जिन हाइट एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम टैग, मार्जिन विड्थ एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम टैग एंड लास्ट में आप देखिएगा नो रिसाइज एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम टैग। तो बच्चों, इसमें फ्रेम टैग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं इसको हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो बच्चों, पहला एट्रीब्यूट हमारा एसआरसी था, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, स्पेसिफाइज द पाथ ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट शुड बी डिस्प्लेड इन द फ्रेम, ठीक है। अगर आपने फ्रेम डिज़ाइन किया हुआ है तो फ्रेम के अंदर कौन सा डॉक्यूमेंट आप ओपन करना चाहते हो इसके लिए हम एसआरसी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए एचटीएमएल का आपने यूज़ किया, फ्रेम सेट कॉल्स इक्वल टू 30%, 70% आपने यूज़ किया है। इसके बाद आपने लिखा फ्रेम एसआरसी इक्वल टू स्कूल डॉट एचटीएमएल। यहाँ देखिए बीच में आपने एसआरसी का यूज़ किया है, एसआरसी का फुल फॉर्म सोर्स होता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर कौन सा एचटीएमएल फाइल आपको यूज़ करना है वो यहाँ पे आपको लिखना होता है, टाइप करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको डिज़ाइन किया, यहाँ पे इसको आपने डिफाइन किया है और डिफाइन करने के बाद जब आप इसको सेव करके रन करेंगे तो यहाँ पे वो डिस्प्ले कर देगा। ऐसे ही दूसरे में देखिए, फ्रेम एसआरसी इक्वल टू टेबल टेस्ट डॉट एचटीएमएल, ठीक है। यहाँ पे आपने ये दूसरी वाली फाइल का नाम दिया हुआ है टेबल टेस्ट का, और जब आप फाइल को रन करेंगे तो टेबल टेस्ट के अंदर जो भी कंटेंट्स होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएंगे बच्चों, ठीक है। इसको लिखने के बाद ये फ्रेम सेट आपको यहाँ पे क्लोज़ करना होगा और लास्ट में एचटीएमएल फाइल को यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। तो एसआरसी का यूज़ करके किसी भी फाइल को आप यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर डिस्प्ले करा सकते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा होता है नेम एट्रीब्यूट। यहाँ देखिए क्या लिखा है, अलाउ यू टू लेबल योर फ्रेम्स, ठीक है। जो फ्रेम्स 30% एंड 70% में आपने डिवाइड करके जो आपने फ्रेम बनाया हुआ है, कौन से फ्रेम में है ना, यहाँ पे कौन से फ्रेम का क्या नाम रखना चाहते हो ये डिसाइड करता है नेम एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे आपने अलग अलग फ्रेम में अपने विंडो को आपने डिवाइड कर रखा है और हर एक फ्रेम का आप एक अलग एक यूनिक नेम असाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं इसको, आपने लिखा फ्रेम सेट कॉल्स इक्वल टू 30% कॉमा 70%, 30-70 के रेशियो में इसको आपने डिवाइड किया और उसके बाद आपने लिखा फ्रेम एसआरसी इक्वल टू स्कूल डॉट एचटीएमएल और इसका एक नाम रखा आपने, देखिए यहाँ पे नेम इक्वल टू मेन, तो इसका जो नाम है वो क्या है, मेन, ठीक है। इसके बाद आपने लिखा फ्रेम एसआरसी इक्वल टू टेबल टेस्ट डॉट एचटीएमएल और इसका नाम आपने रख दिया टॉपिक वन, तो इसका नाम हो गया हमारा टॉपिक वन, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी वही काम है, आपने फ्रेम सेट को अपना क्लोज कर दिया और लास्ट में एचटीएमएल फाइल को भी क्लोज कर दिया। तो बच्चों, हम नेम का यूज़ इसलिए करते हैं, कभी कभी यहाँ पे कोई हाइपरलिंक होता है और आप चाहते हो कि उसके ऊपर जब हम क्लिक करें तो उसका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे ना डिस्प्ले करके किसी और फ्रेम के अंदर डिस्प्ले करे, तो वहाँ उसके लिए हम लोग को यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए आगे हमारा आता है टारगेट एट्रीब्यूट। ये क्या करता है, देखिए स्पेसिफाइज द फ्रेम इन विच द लिंक डॉक्यूमेंट विल बी ओपेंड, ठीक है। तो टारगेट का यूज़ करके उसके अंदर का जो कंटेंट है वो किसी और किसी दूसरे फ्रेम के अंदर आप डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक। यहाँ पे देखिए HTML, उसके बाद फ्रेम सेट कॉल्स इक्वल टू 30% कॉमा 70% आपने लिखा, फ्रेम SRC इक्वल टू एंकर डॉट HTML, पहले वाला जो हमारा फ्रेम ये वाला बनाया 30% वाला, इसके अंदर आपने यूज़ किया है जो HTML फाइल, उसके अंदर जो हमारा हाइपर लिंक है उसका नाम है school.school details, ठीक है। सेकेंड में आप आते हैं तो यहाँ लिखा है फ्रेम SRC इक्वल टू टेबल टेस्ट डॉट HTML, इसका एक नाम भी रखा है मेन, ठीक है। इसका जो कंटेंट होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, देखिए फ्रेम का नाम भी है यहाँ पे, देखिए डिस्प्ले हो रहा है मेन। इसके बाद फ्रेम सेट को क्लोज किया गया है, HTML क्लोज किया गया है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे हम जब स्कूल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो इसका रिजल्ट हमको मेन में देखना है, ठीक है। तो एंकर डॉट HTML के अंदर क्या लिखा गया है, इसकी कोडिंग क्या है, आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे एंकर डॉट HTML के अंदर आप आते हैं तो यहाँ देखिए HTML है, टाइटल लिखा है क्रिएटिंग वेब पेज, हेड क्लोज बॉडी, इसके अंदर कोडिंग देखिए AHREF इक्वल टू स्कूल डॉट HTML, ठीक है। जो फाइल यहाँ पे डिस्प्ले होनी है उसका नाम क्या है, स्कूल डॉट HTML, इसका एक टाइटल भी है गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कूल, इसका मतलब इसके ऊपर माउस का पॉइंटर कोई टच करेगा तो वहाँ पे क्या लिख के आएगा, गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कूल। टारगेट क्या है इसका, मेन है ना, जब कोई स्कूल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेगा तो उसका जो आउटपुट होगा वो कहाँ पे दिखेगा,
यहाँ पे दिखेगा इस वाले फ्रेम में, मतलब मेन वाले फ्रेम के अंदर इसका आउटपुट डिस्प्ले कर जाएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एंकर टैग क्लोज किया गया, यहाँ पे फिर बॉडी क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एस्टीमेट क्लोज करके इसको सेव कर दिया गया है बच्चों। और आगे देखते हैं इसको, देखिए जब इस फाइल को सेव करके रन किया जाता है तो यहाँ पे जो आउटपुट होता है ऐसे दिखेगा आपको। यहाँ पे स्कूल डिटेल्स लिखा है, यहाँ पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिखा है, स्टूडेंट वाली फाइल का कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, तुरंत जो इसका आउटपुट है जहाँ पे पहले ये टेबल आ रहा था, वहाँ पे अब स्कूल डिटेल्स के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएगा, ठीक है। तो टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है, किसी भी हाइपरलिंक के थ्रू उसका उस पर्टिकुलर फाइल का जो डिटेल है वो किसी भी फ्रेम के अंदर आप टारगेट कर सकते हो, वहाँ पर उसको डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा क्या है, स्क्रॉलिंग का। देखिए क्या करता है ये, कंट्रोल्स द अपीयरेंस ऑफ द स्क्रॉल बार्स दैट अपीयर ऑन द फ्रेम, है ना। इसके अंदर कोई भी कंटेंट जो डिस्प्ले हो रहा है, इसके अंदर जो यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार दिख रहा है, इसको आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे स्क्रॉल बार डिस्प्ले हो, तो इसको हम स्क्रॉलिंग इक्वल टू नो कर सकते हैं, मतलब वो क्या होगा, स्क्रॉल बार यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, एकदम ये कॉन्स्टेंट हो जाएगी, वैल्यू फिक्स दिखेगी आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये ऊपर नीचे वैल्यू मूव नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखते हैं इसको, फ्रेम सेट कॉज 30% एंड 70% हुआ, फ्रेम एस आर सी एंकर डॉट एस टी एम एल जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन दूसरी फाइल में मैंने जो यहाँ पे डिस्प्ले होना है, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे शो होगी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्रॉलिंग इक्वल टू नो, ठीक है। पहले कैसा दिख रहा था, पहले जब तक स्क्रॉलिंग इक्वल टू नो नहीं लिखा था तब तक यहाँ पे स्क्रॉल बार दिख रहा था, क्योंकि इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो कंटेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, इसके थ्रू हम ऊपर नीचे करके इसको हम इसके कंटेंट्स को रीड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही स्क्रॉलिंग इक्वल टू नो करके मैंने फाइल को सेव किया, अब इस फाइल के अंदर देखिए यहाँ पे जो स्क्रॉल बार था अब यहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी फ्रेम के अंदर जो फाइल आप ओपन करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि स्क्रॉलिंग न हो, तो उस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर जाना है, वहाँ पर स्क्रॉलिंग इक्वल टू नो कर देना है, जिसके बाद वहाँ पर स्क्रॉल बार डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है मार्जिन विड्थ एट्रीब्यूट। देखिए क्या करता है ये, दिस एट्रीब्यूट सेट्स द लेफ्ट एंड राइट फ्रेम मार्जिन्स इन पिक्सेल्स, ठीक है। लेफ्ट राइट मार्जिन को पिक्सेल में आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, जिसके थ्रू ये लेफ्ट राइट का ये जो मार्जिन है बीच का, ये आपका यहाँ पे इंक्रीज कर देगा इसको। देखिए कैसे करता है, यहाँ पे देखिए फ्रेम एस आर सी इक्वल टू स्कूल डॉट एस टी एम एल, यहाँ पे लिखा है मार्जिन विड्थ इक्वल टू 70 पिक्सल। अब यहाँ पे इस वाली फाइल में पुराने देखिए यहाँ पे कोई भी मार्जिन हमने दिया नहीं है, ठीक है, ये इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर मैंने मार्जिन विड्थ इक्वल टू 70 पिक्सल लिखा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो इसका विड्थ था वो कितने पिक्सल हो गया, 70 पिक्सल, यहाँ पे इसकी मार्जिन बढ़ गई, ये हमारा जो टेक्स्ट था वो लेफ्ट से राइट की तरफ थोड़ा सा मूव कर दिया 70 पिक्सल, ठीक है। तो इस तरीके से आप, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो वहाँ पे मार्जिन देना चाहते हैं, मार्जिन विड्थ यूज़ करना चाहते हैं, तो आप किसी भी फाइल में, किसी भी फाइल के जिस भी फ्रेम में आप यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ पे जाइए, मार्जिन विड्थ को यूज़ करिए, नंबर ऑफ पिक्सल यहाँ पे डाल के फाइल को सेव करके जब रन करेंगे तो इस तरीके से आपको वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं, यहाँ पे मार्जिन हाइट देखिए ये क्या करता है, दिस एट्रीब्यूट सेट्स द टॉप एंड बॉटम फ्रेम मार्जिन इन पिक्सल, ठीक है। टॉप टू बॉटम मतलब ये जो मार्जिन यहाँ का पोर्शन होता है हमको ये चेंज करना है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपने एस्टीमेट यूज़ किया, फ्रेम सेट यूज़ किया, उसके बाद फ्रेम एस आर सी, पहले में आपने फर्स्ट में एंकर डॉट एस्टीमेट को यूज़ किया, सेकंड में स्कूल डॉट एस्टीमेट को यूज़ किया, लेकिन इसमें मार्जिन हाइट का आपने यूज़ किया, हम ये जो मार्जिन है इसको हम इंक्रीज़ करना है, थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने इसके अंदर यूज़ किया मार्जिन हाइट इक्वल टू 90 पिक्सल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो हमारी पुरानी फाइल थी, नई वाली फाइल जब जैसे ही मैंने इसको लगा के इसको यहाँ पे टाइप करके सेव किया, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए यहाँ पे गैप हो गया, कितने पिक्सल का, यहाँ पे जो गैप हुआ हमारा वो 90 पिक्सल का गैप हो गया, है ना। ये इसने क्या किया, टॉप टू बॉटम जितने भी मेरे हमारे कंटेंट ऊपर डिस्प्ले हो रहे थे उसको पुश कर दिया नीचे की तरफ, कितना, 90 पिक्सल, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप मार्जिन हाइट और मार्जिन विड्थ का यूज़ कर सकते हो, टॉप टू बॉटम करना चाहते हो तो मार्जिन हाइट का यूज़ करो, लेफ्ट राइट करना चाहते हो, हॉरिजॉन्टली करना चाहते हो, इधर से इधर, तो आप कर सकते हो वहाँ पे मार्जिन विड्थ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसके रन करने के बाद, यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको वही फिर काम करना है, फ्रेम सेट को क्लोज कर देना है और लास्ट में एचटीएमएल फाइल को क्लोज करके अपने एचटीएमएल फाइल को रन करा लेना है बच्चों। नेक्स्ट एट्रीब्यूट आप देखिए यहाँ पे लिखा है हमारा नो रिसाइज एट्रीब्यूट, ठीक
ठीक है, नो रिसाइज में क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, स्पेसिफाइज दैट द यूज़र कैन नॉट रिसाइज अ फ्रेम विंडो। ठीक है, अगर ये जो फ्रेम विंडो है इसके अंदर ये जो हमारा पर्टिकुलर फ्रेम आपको ये दिख रहा है, अगर आप चाहते हो इसको मूव ना हो, ये फिक्स हो जाए, तो आप वहाँ पे नो रिसाइज का यूज़ करते हैं। देखिए हमारी पुरानी फाइल है तो इसमें ये फ्रेम हमारा स्टार्ट यहाँ से था, ये फ्रेम यहाँ से स्टार्ट था, लेकिन हमने इसको क्या किया, ड्रैग करके यहाँ पे कर दिया। ठीक है, इसको ड्रैग करके हमने यहाँ पे कर दिया, इसका मतलब ये मूव हुआ है फ्रेम, ये फ्रेम हमने क्या किया है, इसको ये मूव किया है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये इस पर्टिकुलर फ्रेम को कोई मूव ना कर पाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नो रिसाइज का यूज़ करना है। इस पर्टिकुलर फ्रेम में हम आए और यहाँ लिखा फ्रेम src इक्वल टू स्कूल डॉट html, और उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया नो रिसाइज। अब देखिए नो रिसाइज होने के बाद अब ये क्या हुआ, ये फिक्स हो गया, अब ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर किसी फ्रेम के अंदर आप चाहते हो कि फ्रेम मूव ना हो, तो वहाँ पर आप नो रिसाइज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बच्चों एक बार इसको हम सिस्टम पे करके देख लेते हैं, इसको एक बार लाइव करके देखते हैं कैसे ये काम कर रहा है। एक बार इसको हम देखते हैं, इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करते हैं, हम आते हैं इस टारगेट वाली फाइल पे और अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं, उसमें इसको देख लेते हैं कैसे यूज़ हो रहा है, कैसे ओपन होना है। इसके लिए हम फाइल अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं, और ब्राउज़र ओपन होने के बाद नोट पैड वाली फाइल को भी ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए टारगेट में देखिए मैंने क्या यूज़ किया है इस पर्टिकुलर HTML फाइल में। देखिए HTML के बाद मैंने यूज़ किया फ्रेम सेट कॉल्स इक्वल टू 30%, 70%। ठीक है, इसके अंदर जो यूज़ किया है 30-70% का है। उसके बाद फ्रेम स्पेसिंग मैंने यूज़ किया है 95 पिक्सल का फ्रेम स्पेसिंग है इसके अंदर। अब ये देखिए, इधर देखिए, ये जो फ्रेम स्पेसिंग है ये हमारा स्पेसिंग होता है, फ्रेम स्पेसिंग का पोर्शन। ठीक है, अगर आपने ये स्पेसिंग कम कर दिया, जैसे सपोज़ हमने इसको 5 कर दिया और यहाँ पे आने के बाद हमने इसको सेव कर दिया, और सेव करने के बाद जैसे इसको आप रन करते हो, आप देखिए ये स्पेसिंग ये कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ से स्पेसिंग को आप मेनटेन कर सकते हो, जितना स्पेसिंग आप देना चाहते हो। यहाँ फ्रेम स्पेसिंग में आके यहाँ पर साइन करना ही वैल्यू को, और उसके बाद इसको आपको यहाँ पे आने के बाद सेव करना है और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे दिख रहा है बॉर्डर कलर, ये जो फ्रेम है इसका बॉर्डर का जो कलर है उसको आप क्या कौन सा कलर देना चाहते हो, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने ग्रीन दिया है, सपोज़ आपने लिख दिया यहाँ पे, हमने दे दिया यहाँ पे सपोज़ पिंक, और पिंक करने के बाद यहाँ से इसको हमने सेव किया और यहाँ पे आने के बाद हमने इसको रिफ्रेश किया। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो हमारा फ्रेम का बॉर्डर है इसका इसका जो कलर है वो पिंक कलर में इसने शो कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है फ्रेम src इक्वल टू एंकर डॉट html, मतलब इस वाले फ्रेम के अंदर, फर्स्ट फ्रेम के अंदर जो 30% में डिवाइड है, इसके अंदर स्कूल डॉट डिटेल्स आपको दिख रहा होगा, ये इसका आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है। फ्रेम src इक्वल टू टेबल टेस्ट डॉट html यहाँ पे हो रहा है, इसके अंदर मैंने टारगेट का भी यूज़ किया और मेन भी यूज़ किया गया है, क्योंकि इसमें हमको लिंक कराना है, लिंक कराने के बाद इसका आउटपुट इसमें चाहिए। अभी देखिए इसमें टारगेट का भी यूज़ होना है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नेम इक्वल टू मेन। ठीक है, इस पर्टिकुलर फ्रेम का मैंने एक नाम रखा है, वो क्या है, मेन। ठीक है, स्क्रॉलिंग इक्वल टू नो रखा है, इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर हमको स्क्रॉल नहीं चाहिए, स्क्रॉलिंग नहीं करना है हमको, तो यहाँ पे मैंने नो कर रखा है। मार्जिन हाइट को मैंने 119 पिक्सल रखा है, ये जो हाइट है ऊपर की इसको मैंने 119 पिक्सल रखा है। सपोज़ आपने 1 को हटा दिया और इसको सेव करके देखिए, मैंने सिर्फ 19 पिक्सल कर दिया। अब ज़रा इसको सेव कर एक बार रिफ्रेश करिए, ये देखिए अब यहाँ के इसका बीच का जो गैप है ये 19 पिक्सल हो गया। जैसे आप इंक्रीज़ करेंगे ये क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर टेबल आपको दिख रही है नीचे की तरफ पुश हो जाएगी। ऐसे ही हमारा ये जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन है मार्जिन विड्थ का, ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे सपोज़ 127 में हमने 1 हटा दिया और इसको हमने सेव किया, और सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, ये देखिए बच्चों यहाँ पे ये 27 पिक्सल हो गया, पहले जो 127 पिक्सल था ये कम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे स्कूल डिटेल्स पे आप क्लिक करते हैं, बच्चों देख लीजिए यहाँ पे इसका जो आउटपुट है वो सेकंड विंडो में डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब इस फाइल में, एंकर डॉट html फाइल में हमने टारगेट का यूज़ किया हुआ है। तो आइए चलते हैं टारगेट html फाइल पे, यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये देखिए ध्यान से एंकर डॉट html के अंदर आप आते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, ahref इक्वल टू स्कूल डॉट html, यहाँ पे टाइटल इक्वल टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कूल, यहाँ पे ध्यान दीजिए टारगेट इक्वल टू मेन लिखा है ना। अगर इसको हम यहाँ से डिलीट कर दें, यहाँ पे इस पोर्शन को हमने यहाँ पे डिलीट किया और इसको हमने सेव किया, और सेव करने के बाद हम फिर अपनी फाइल पे आते हैं,
ठीक है। फाइल पे आने के बाद इसको हमने रिफ़्रेश किया, और रिफ़्रेश करने के बाद अब जब हम क्लिक करेंगे, देखिए टारगेट हमारा क्या हो गया, सेल्फ हो गया। उसी फ्रेम के अंदर उसका आउटपुट आ गया, जो पहले आउटपुट उस एंकर डॉट एस टी एम एल का यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था, उसका आउटपुट अब यहाँ पे हो गया। और जैसे ही देखिए फिर से हमने यहाँ पे आए हम, और इसमें हमने एंकर डॉट एस टी एम एल के अंदर हमने फिर से यहाँ पे टारगेट यूज़ किया। हमने यहाँ पे लिखा टारगेट इक्वल टू, हमने लिख दिया मेन, ठीक है। यहाँ पे टारगेट इक्वल टू मेन किया, और मेन करने के बाद हमने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद फिर से हम यहाँ पे आए, और यहाँ पे इसको हमने एक बार रिफ़्रेश किया, और रिफ़्रेश करने के बाद एक बार फिर से क्लिक करेंगे। अब देखिए इसका आउटपुट हमारा फिर से सेकंड वाले फ्रेम के अंदर इसको डिस्प्ले कर दिया। तो बच्चों इस तरीके से आप टारगेट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इस वीडियो के अंदर ये फ्रेम के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हम यूज़ कर सकते हैं वो पूरा पूरा मैंने इसके अंदर यूज़ कर लिया है, ठीक है। मार्जिन हाइट क्या होता है, विड्थ क्या होता है, कैसे फ्रेम के अंदर आप नो रिसाइज कर सकते हो, ठीक है, कैसे स्क्रॉलिंग को कैसे किस तरीके से आप उसको नो कर सकते हो, येस कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर आपको दिखा दिया है, समझा दिया है, और इसको मैंने प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया है। तो बच्चों आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।